हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटर ए के सिंह और आज फिर हम अपने DSSSB TGT पॉलिटिकल साइंस और DSSSB TGT SST की यानी कि PGT पॉलिटिकल साइंस और SST की तैयारी करेंगे। और पॉलिटिकल साइंस की तैयारी आपकी मेनली थ्योरी सेक्शन के हिसाब से भी हो रही है और SST में हम क्या देख रहे हैं, SST में हम देख रहे हैं NCERT यानी कि NCERT कवर कर रहे हैं। और NCERT में भी कौन सी NCERT चल रही है आपकी, आपकी NCERT चल रही है क्लास 8th की, NCERT चल रही है यानी क्लास 8th की NCERT चल रही है पॉलिटिकल साइंस की। आज हमारा है छठा चैप्टर यानी कि छठा चैप्टर देख रहे हैं, हमने इससे पहले 5 चैप्टर देख लिए हैं तो। और इस क्लास 6th और 7th की आपकी NCERT सारी की सारी कंप्लीट हो गई तो जाकर चैनल पर वो भी देख सकते हैं। SST वाले स्टूडेंट ये ध्यान रखें कि आपका जो स्टूडेंट का पेपर आ रहा है वो थोड़ा सा अब आपको NCERT पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि पेपर वो नहीं था पहले की तरह ऐसे कि कोई भी क्वेश्चन उठा के दे दिया। आपका जो पहले क्वेश्चन आते थे SST में वो क्वेश्चन चले गए थे GK में, अब GK से हो गए हैं आउट यानी कि अब कर दिया है सिलेबस से बाहर, यानी कि एक तरह से बाहर कर दिया है। सिलेबस तो अब कुछ रहा ही नहीं है, सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर एक तरह से कभी भी ये मान लो आजकल कोई भी पेपर, चाहे आपका IAS का पेपर हो, चाहे आपका क्लर्क का पेपर हो, कोई भी पेपर आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं आ रहा है, यानी कि सिलेबस कुछ और है और पेपर में आपको कुछ और मिल रहा है। तो इसलिए बच्चों हमें सारी चीज़ें करके कवर करके चलनी है। तो चलिए चलते हैं आज का चैप्टर, यानी कि आज का चैप्टर क्या है, हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली। कल आपको मैंने फौजदारी और दोनों चीज़ें बताई थी यानी क्रिमिनल लॉ एंड सिविल लॉ। सिविल लॉ क्या है, जो यानी कि आपका क्षतिकर्ता जिंदा रहता है और क्षति उसे पहुंचने पर वो क्या कर सकता है, अपील कर सकता है। क्रिमिनल क्या है, यानी कि जो एक तरह से हत्या हो गई है और कहीं ना कहीं वो उसका मुकदमा कोई और ही लड़ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं आपको बताया था। तो आज का चैप्टर क्या है, हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली के बारे में बताया गया है। तो चलिए ये कहानी बताई गई है, इसमें क्या ये कहानी आपको दिखाई गई है, ये आपको अपने बच्चों को पढ़ानी है जब आप TGT के एग्ज़ाम पास कर लोगे। तो आपको पता होना चाहिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपका आ जाता है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, FIR की फुल फॉर्म क्या है। FIR की फुल फॉर्म सबको पता होगा कि FIR की फुल फॉर्म क्या है, तो आपको पता होना चाहिए FIR की फुल फॉर्म क्या है। जैसे कि ये बताया गया है, संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को एक वकील के लिए क्या है, आपकी आज़ादी है, यानी कि एक तरह से आपको जरिए अपना बचाव करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। और संविधान के अनुच्छेद 39A में ऐसे नागरिकों को वकील मुहैया कराया जाता है जिसकी जिम्मेदारी है राज्य के ऊपर सौंपी गई है। ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है तो आपको पता होना चाहिए, और ये खासकर LLB में क्वेश्चन आता है जो LLB स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं इसमें क्या बताया गया है। और क्योंकि पॉलिटिकल के जितने भी चैप्टर हैं सारे के सारे उसमें कम चीज़ें बताई गई हैं, अब आती है बात अपराध की जाँच करने के लिए पुलिस की क्या भूमिका होती है। देखो पुलिस की भूमिका एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, पुलिस का कार्य कहीं ना कहीं अलग होता है, यानी कि जब आपकी FIR हो जाती है, FIR के बाद एक तरह से वो जांच हो जाती है और कहीं ना कहीं चीज़ों को देखा जाता है, इकट्ठा करा जाता है, सबूतों को इकट्ठा करा जाता है, तो क्या कर जाता है एक तरह से आखिरी में आती है बात कि जो अपराधी होता है उसे पुलिस क्या कर लेती है, हिरासत में लेती है और कहीं ना कहीं अपने यानी कि न्यायालय के सामने पेश करती है। यानी कि एक चीज़ आपका दिखाया गया, ये क्वेश्चन आता है अभी हमने 22 का, यानी कि संविधान के 22 यानी अनुच्छेद 22 और फौजदारी कानून के प्रति गिरफ्तारी के प्रति मौलिक अधिकार, गिरफ्तारी के समय उसे यह जानने का अधिकार है कि क्या है, यानी कि कारण क्या है, 24 घंटे के अंदर मैजिस्ट्रेट के पास पेश करना होता है, और इसमें ट्रैवलिंग का जो समय होता है वो भी काउंट नहीं होता है, एक चीज़ का ध्यान रखना। गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में किसी भी तरह की दुर्व्यवहार या उसके साथ यातना नहीं करी जाएगी, मारा पीटा नहीं जाएगा, ठीक है, ये कहा गया है। फिर आता है पुलिस हिरासत में दिए गए इकबालीय बयान को आपराधी के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं करा जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना।
15 साल से कम उम्र के बालक या किसी भी महिला को केवल सवाल पूछने के लिए थाने यानी थाने में नहीं बुलाया जा सकता, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए आपको, ठीक है। ये कहीं ना कहीं आपके अधिकार के तहत आपके चीज़ें आती हैं, ठीक है। अब आती है यानी कि सर्वोच्च न्यायालय ने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार, हिरासत और पूछताछ के बारे में पुलिस को एक अन्य स्थानों के लिए कुछ खास शर्त और प्रतिक्रिया तय की है, जिसके नियम कहीं ना कहीं ये आपके बताए गए हैं जो अभी हमने ऊपर एक तरह से पढ़े। जैसे कि आपका क्या है, जब गिरफ्तार व्यक्ति या दोस्त या संबंधी उस जिले से बाहर रह रहे हों तो गिरफ्तार के 8 से 12 घंटे के अंदर भीतर उस गिरफ्तारी के समय स्थान में हिरासत की जगह के बारे में जानकारी भेज देनी चाहिए। जैसे कोई बाहर रह रहा है, जैसे आजकल क्या है नौकरी के लिए बाहर है, तो वो भी आपका पता होना चाहिए। फिर आती है यानी कि प्रथम सूचना रिपोर्ट। यानी कि प्रथम सूचना रिपोर्ट क्या है, आपकी FIR यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट आपको बताया गया, पुलिस यानी पुलिस FIR दर्ज होने के बाद ही किसी भी अपराधी को क्या कर सकती है, पड़ताल शुरू करती है। और कानून के में कहा गया है कि किसी भी संज्ञान अपराध की सूचना मिलने पर ही थाने के प्रभारी अधिकारी को एक तरह से फौरन FIR दर्ज करनी चाहिए। पुलिस को यह सूचना मौखिक या लिखित किसी भी रूप में मिल सकती है। यानी एक तरह से आपको बताना चाहिए कि जब FIR होती है तो FIR के बाहर कहीं ना कहीं उस पर एक्शन लिया जाता है। फिर आती है सरकारी वकील की क्या भूमिका होती है। देखिए दो तरह के वकील होते हैं, एक होता है सरकारी वकील, एक होता है नॉर्मल वकील, ठीक है। क्या कहेंगे हम, नॉर्मल गवर्नमेंट, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि जो ये वकील होते हैं कई कई यानी कि एक फीस एक, आपने ये भी सुना होगा कि एक डेट के बहुत सारे वकील एक लाख एक करोड़ रुपए भी लेते हैं, तो वो नॉर्मल वकील ले सकता है। जो गवर्नमेंट वकील होता है, गवर्नमेंट वकील जो गवर्नमेंट जितने भी केस देगी वो उसके अकॉर्डिंग यानी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग उसे तनख्वाह मिलेगी, वो कहीं ना कहीं अदर यानी कि अदर केस नहीं ले सकता। इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। तो ये भी आपका कहीं ना कहीं गवर्नमेंट वकील और कहीं ना कहीं और सरकारी वकील क्या है, सरकार जितने भी जैसे आपका भी ऊपर हमने पढ़ा था ना कि कहीं ना कहीं जो भी जैसे मान लीजिए किसी के पास वकील नहीं है, वो वकील की दरख्वास्त करता है कि न्यायालय के सामने कि महोदय मैं गरीब आदमी हूँ और मुझे क्या है मैं मेरे केस के लिए मुझे वकील मुहैया कराया जाए, तो सरकार क्या करेगी, सरकार जो होगी सरकारी वकील को क्या करेगी एक तरह से देगी। तो ये बात आपकी पता होना चाहिए आपको। न्यायाधीश की क्या भूमिका होती है, न्यायाधीश की भूमिका होती है कि सारे सबूतों और सारी चीज़ें, तो न्यायाधीश की भूमिका क्या है, न्यायाधीश की भूमिका होती है जो आपके सारे अदालत में यानी कि कोई भी अदालत हो, चाहे आपकी सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, तो इसमें सारे के सारे जितने भी जज होते हैं वो यानी कि आपके जज साहब होते हैं, वो आपके जो भी क्या है पक्ष और विपक्ष के जो चीज़ें हैं उनके कहीं ना कहीं चीज़ें सुनते हैं और कहीं ना कहीं जो भी आखिर में निर्णय आता है मुकदमे का उसके ऊपर वो फैसला सुनाते हैं। फिर आता है फेयर ट्रायल। फेयर ट्रायल यानी कि एक तरह से निष्पक्ष सुनवाई। निष्पक्ष सुनवाई का क्या है, निष्पक्ष सुनवाई का रोल इसलिए कहा गया है और ये हमारे यहाँ एक तरह से माना भी जा सकता है, क्योंकि देखिए जो हमारी कार्यपालिका है प्लस विधायिका है उन दोनों का काम सेम से चलता है, पर जो आपका न्यायपालिका है वो एक तरह से स्वतंत्र न्यायपालिका है, वो इनका यानी कि जो और नहीं है, तो इसलिए कहीं ना कहीं स्वतंत्र न्यायपालिका के रूप में हमारे फेयर ट्रायल चलते हैं सारे के सारे, ठीक है। आप क्या आती है, फिर आती है खुली अदालत, ठीक है। 21 में आपको बताइए जीवन का अधिकार आपको दिया गया है और जीवन का अधिकारों में से ये जो 21 का अधिकार है, 21 का अधिकार कहीं ना कहीं सारी चीज़ों में एक आपका जुड़ा हुआ है, ठीक है। फिर आती है ओपन अदालत यानी खुली अदालत। खुली अदालत क्या है, पहली यानी आपको पता होना चाहिए खुली अदालत के बारे में क्या है, शांति को यानी कि अपराध पत्र और उनकी सभी साक्ष्यों को एक एक पर यानी कि एक एक प्रति कहीं ना कहीं दी गई और कहीं ना कहीं जो खिलाफ आधार यानी कि उनके खिलाफ अदालत में पेश किया गया था। शांति पर चोरी का आरोप लगाया गया था जो कानूनन एक अपराध था, यह
मुकदमा जनता के सामने खुली अदालत में चलाया गया, यानी क्या हुआ, शांति का भाई सुनील अदालत की कार्रवाई में मौजूद था और यानी कि मुकदमा आरोपी के उपस्थिति में कहीं ना कहीं चला गया, और यानी कि जो वकील था उसके बचाव में था। और ये सारी चीज़ें आपकी इस चैप्टर में बताई गई है कि क्या क्या हुआ था, ठीक है। कि फिर ये देखिए, ये बताया जा रहा है, तो आप ये कह रही हैं कि आपने शांति को चोरी करते हुए नहीं देखा, ना ही आपने शांति के पास चोरी का हार मिला है। पिछले 3 साल से जब आप शांति यानी पिछले 3 साल से जब शांति आपके घर पर काम कर रही है, तब से कोई भी चीज़ आपके घर से चोरी नहीं हुई है। आप हर महीने उसे 1,000 रुपये क्या एक तरह से पैगाम भी देती है, यानी एक तरह से तनख्वाह भी देती है। तो ये बात कही गई है। अब फिर आती है यहाँ पर आपकी, जो यानी कि शांति को झूठे मुकदमे में फंसाया गया। अब झूठा मुकदमे में जब आपकी बात आएगी, तो झूठे मुकदमे में कहीं ना कहीं जब ये शांति है, चाहे आपका कोई भी व्यक्ति हो, चाहे बड़ा अमीर आदमी हो चाहे गरीब आदमी हो, अगर जैसे कोई इस तरह केस आता है और कहीं ना कहीं आपका ये हो जाता है, तो कहीं ना कहीं जब कोर्ट को या फिर एक तरह से जब जज को इस तरह की चीज़ें पता चलती है ना कि गरीब आदमी के ऊपर अत्याचार हो रहा है, या फिर इस तरह से कहीं ना कहीं अत्याचार करना चाह रहा है एक बड़ा आदमी, तो वो भी कहीं ना कहीं उससे एक तरह से ये क्या है, जुर्माना भी लगाता है, और क्या है एक तरह से उसके लिए हक में भी खड़ा होता है। और यहाँ पर अगर उसी ने क्या, जो जैसे शांति है, शांति के साथ क्या करा जा रहा है, अत्याचार करा जा रहा है, तो इस कहीं ना कहीं ये केस में अगर कोर्ट होगा यानी कि जज होगा, तो जज भी फेयरली उसे के साथ खड़ा होगा और ये कहेगा इसके ऊपर डबल चार्ज लगाओ। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर आती है क्या, आरोपी आपका इसमें हिरासत का पता होना चाहिए। हिरासत में आपको 2 चीज़ पता होना चाहिए, एक महिला वाला, एक बच्चे वाला, यानी 15 साल वाला और महिला वालों को एक तो कहना माँ नहीं मिला सकते। संध्याकाल से पहले यानी कि उसे संध्याकाल से उसके लेके नहीं जा सकते, इन्हें हथकड़ी पहना के लेके जा सकते, इस चीज़ का ध्यान रखना। और एक और जजमेंट है, यानी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, जो वकील है आपके, अगर वो भी इस तरह काम यानी कि उन्हें कहीं लेके जाना है, तो उन्हें भी हथकड़ी पहना के लेके जा सकते। एक अभी जजमेंट आया था कि एक कहीं ना कहीं पुलिस मैन यानी कि पुलिस मैन ने कहीं ना कहीं एक लॉयर को हथकड़ी पहना के ज़बरदस्ती ले गए, तो कहीं ना कहीं उस पर भी एक्शन हुआ था, और कहीं ना कहीं उस जजमेंट में कहा गया कि वकील को कहीं ना कहीं आपने हथकड़ी पहनाई कैसे, जबकि हथकड़ी आपने देखा होगा, आप जब भी कहीं ना कहीं अपराधी को देखते होगे, हथकड़ी की जगह आपने देखा होगा कि उसके कंधे पर रस्सी बंधी होती है, या फिर रस्सी बंधी होती है। क्यों बंधी होती है, हथकड़ी का कानून आजकल ख़त्म हो चुका है, यानी कि जो हैंडकफ्स हैं उनका कानून ख़त्म हो चुका है, इसलिए कहीं ना कहीं आजकल रस्सी बांधी जाती है, या फिर एक तरह से उसे जो बीडिया टाइप होती है उसे रस्सी के साथ इंक्लूड करके बांधा जाता है, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।